नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और आज हमारे साथ एक मुलाकात में हैं राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण जी मीणा साहब। मीणा साहब, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको राजनीति का लंबा अनुभव है, और न केवल राजनीति, आप कॉपरेटिव में भी काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, डायरेक्टर तक रहे हैं आप। प्रशासनिक सेवा से राजनीति में दोनों को अपन कंपैरिजन करें तो पहले बेटर लगता था कि अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, समाज सेवा सर्वोपरि होता है, और गरीब के बीच में, गांव के बीच में, नीडी पर्सन्स के बीच में आप जाओ, उनके आंसू पहुंचने का आपको समय मिले, इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। और आज तो गांव में आप जाओगे तो ढेरों समस्याएं मिलेंगी, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके नहीं हो सके, लेकिन कोशिश आप करोगे, लोग आपको प्यार दोगे, देंगे, प्रेम देंगे। प्यार और प्रेम ही सर्वोपरि है। किसी ने यदि आपको दुआ दे दी कि तुमने हमारे दुख के समय संभाल पूछी, ध्यान दिया, तो आपको शगुन मिलेगा। ये जनसेवा सर्वोपरि है, चाहे किसी भी फील्ड में हो आदमी, किसी भी फील्ड में हो, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। किसी के प्रति आपके मन में कुंठा नहीं होना चाहिए, जेलसी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप काम करिए, आपको संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। और आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई मेरे साथ अनजस्टिस है, जस्टिस है, आपको अपना काम करते रहिएगा, यहाँ काम करने का मौका मिलता है। देखिए सर, समाज सेवा निश्चित रूप से किसी भी माध्यम से हो वो लोकतंत्र की सेवा है, ये सच्चाई है। लेकिन आपको राजनीति का भी अच्छा अनुभव है, पहले से आप कोऑपरेटिव की जो सर्विसेज, उससे भी आप जुड़े रहें। आज जनप्रतिनिधि कितना सरोकार रखते हैं सामाजिक सेवा से, जनसेवा से? देखिए, रखना चाहिए। इस समय बहुत आगे बढ़ गया है, अब आदमी अपनी खुद की सोचता है, भौतिकतावाद आ गया, इस बात को भूल जाता है कि भारत में अपनी संस्कृति है, अपनी भावनाएं, सबको साथ लेके चलने की जो है। आज तो आदमी जिस सीढ़ी से चढ़ता है उसी सीढ़ी को काटता है। जिस पार्टी के आधार पर आदमी एक ऊंचाई को लेता है, उस पार्टी के बजाय वो खुद के फॉलोअर्स पैदा करता है, खुद के व्यक्ति पैदा करता है, खुद की संपत्ति पार्टी के नाम पे पैदा करता है। ये ही ठीक नहीं है, ये जो चल रहा है परिपाटी, इसको बदला जाना चाहिए। नहीं बदली गई तो देखिए, प्रजातंत्र में अवगुण जब आ जाता है, विग्रह पैदा हो जाता है, अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी हो जाती है, अच्छे नेताओं की कमी हो जाती है। ईमानदार लोगों को आप दरकिनार करते हो तो समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है, समाज को तकलीफ रहती है। जैसे सारी बातें देख के चलना चाहिए। इसमें सब जैसे नई जनरेशन अभी राजनीति में भी आ रही है, समाज सेवा का वो भी एक माध्यम मान के चलते हैं उसे, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, या आप देखिए पंच हो, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, और लोगों, आपको सबसे क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, उस नाते आप पूरे जिले लोकसभा क्षेत्र का आपने प्रतिनिधित्व किया, उसमें जिला प्रमुख भी आते थे, MLAs भी हुआ करते थे, प्रधान भी हैं, सरपंच, सभी लोग हुआ करते थे। तो मेरा सवाल ये है कि अब जो स्थितियां हैं, आपने ये बात तो सही है कि व्यक्तिवाद हावी होता जा रहा है, सामाजिक सरोकार से उन लोगों का कितना वास्ता पड़ रहा है? देखिए, वास्ता तो होता है, लेकिन समय को देख कर के समाज की जो चलन हो जाता है उसको देख के आदमी का मन डाइवर्ट हो जाता है। और यही कारण है कि आज उन लोगों को भी मौका मिल रहा है जो लोग कुछ बोलने के अधिकारी नहीं, वो भी बोल रहे हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने स्टाम्प चोरी की हो, जिस व्यक्ति ने टैक्स चोरी की हो, जिसने कम रेट में अपनी रजिस्ट्री कराई हो मकान की, वो भी कह रहे हैं सब करप्शन ख़त्म करो। और जो व्यक्ति बड़ी बड़े पूंजीपति से, औद्योगिकरण से पैसा ले करके और NGO चला रहे हैं, NGO के माध्यम से हर किसी के खिलाफ बोल रहे हैं सच्चा है गलत है, तो ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है, इसको सुधारा जाना चाहिए। व्यक्तिगत आरोप आक्षेप समाज में वर्जित है, संसद में, विधानसभा में वर्जित है, तो व्यक्तिगत आरोप समाप्त होने चाहिए। दूसरा से एक अहम सवाल है मेरा आपसे, आज राजनीति में टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल आज भी हैं, उनका अस्तित्व है, उन्हीं की वजह से सरकार बन रही है। निर्दलियों के सहयोग समझिए, चाहे छोटे मोटे दल हैं, उनके भी टिकट का जो सिस्टम है, हर जगह योग्यता आधार रखती है। आज को प्रशासनिक सेवा में जाता बिना योग्यता के नहीं जा सकता, प्राइवेट सेक्टर में जाता बिना योग्यता के नहीं जा सकता। राजनीति में
मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस टिकट की उसको आवश्यकता होती है उसमें योग्यता कितना महत्व रखती है? वो नेहरू जी के साथ और राजीव जी तक था, अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो अपने फॉलोअर्स को लोग ढूंढ रहे हैं, पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता को दरकिनार करने की प्रॉपर्टी जो चल पड़ी है वो अच्छा संदेश नहीं देती पार्टी, हर पार्टी में। आप देखिए राजस्थान में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है, आज लीडरशिप डिक्लेयर करने में आपस में टकराहट हो रही है, और जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसकी चलेगी वो अपने फॉलोअर्स को देगा, वो जनहित की या जनसेवा के कामों को देखने की कम सोचेगा। इसलिए ये जो स्थितियां बनती जा रही है उचित नहीं है, इनको सभी राजनीतिक दलों में मानते हैं, ये सभी जगह चल रही है, और जनता भी उसके गुण अवगुण पर कम ध्यान देती है, अपने दृष्टि से सोचती है। कास्टिज में इतना ज़्यादा हावी हो गया, हालांकि कास्टिज में बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार है जिनकी संख्या कम है, वो अपने लोगों को तो देखे देख वो ज़्यादा आबादी जिन लोगों की उन्होंने उनसे सीख लिया, अब उनको हम दोष देते लेकिन उनका दोष नहीं है, दोष उनका है जो लोग पहले से समाज में फारूड कहे जाते थे, अग्नि कहे जाते थे, अब उनको शिक्षा देने के बजाय खुद के ऊपर उतारेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश जैसा जातवाद नहीं चल पाएगा, बिहार जैसा अराजकता का माहौल नहीं बन पाएगा। इसलिए सोचना चाहिए जिन लोगों को समाज की जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, समाज के मामले में जिनको मानते हैं कि मसीहा हैं अग्रणी हैं, उनको उसी ढंग से सोचना चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि राजनीति में वास्तव में जिन लोगों को आना चाहिए, जो अपना एक कैपेबिलिटी जो रखते हैं कि जो आधार होना चाहिए होगी ताकि जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता के बीच रहता है, जनता की बात करता हो, उन लोगों को दरकिनार किया जाता है तो निश्चित रूप से राजनीति पे असर पड़ता है। आप चौथी बार MLA हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आपको टिकट मिले लगातार, आपका क्या मानना है किस आधार पे मिले? देखिए मुझे टिकट लगातार नहीं मिले, 72 में यह सही है कि मैंने मना कर दिया था, 77 में मैंने चुनाव लड़ा है वो भी इमरजेंसी का समय था, मैं जिस पार्टी में था उसके पक्ष में लोगों में माहौल नहीं था, 80 में मुझे पार्टी ने सहयोगी नहीं समझा, 85 में नहीं समझा, 90 में मुझे मौका मिला वो भी इसलिए कि कोटा संभाग में कोई जीतने वाली स्थिति कुछ थी नहीं, वास्तविकता ये बनी कि मैं अकेला 18 सीट में जीत के आया तो मेरा आधार बन गया और लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया, इसलिए टिकट तो मुझे लगातार नहीं मिला। अभी भी आपको पता है इस वर्ष भी मुझे सहयोगी नहीं समझा था, लेकिन बाद में आखिरी समय में जो भी परिस्थितियाँ बदली, मुझे मैं 4 जिलों में पहले रह चुका हूँ, 5 जिले में दूसरे संभाग में जहाँ मेरा कोई नहीं था, मैं जिनकी जानकारी नहीं रखता था, ये मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी और मुझे पार्टी को भी आभार व्यक्त करना चाहिए, ऐसे इलाके में टोंक जिले में भी मुझे सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया, इसके लिए मैं तो टोंक जिले की आम जनता को बोले मेरे क्षेत्र का नहीं है पूरी भावना थी, और राजस्थान के कोने कोने से लोग आए मेरे प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने, और मुझे बिना कुछ मेहनत के बिना किसी प्रश्न के उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। यही कारण है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, दुख दर्द में काम आता हूँ, और कहीं कोई छोटी भी घटना होती तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों के बीच में जाऊँ, उनके बीच में बैठ के सुख दुख की बात करूँ। लगातार आप जीते भी, मतलब जब जब भी आपको टिकट मिले, और जैसा कि संभाग कोटा हाड़ोती को गढ़ माना जाता था, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे वहाँ से, और अभी भी जीते टॉक से जीते हैं, अच्छे वोटों से जीते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन आपको पहले खेप में मंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद में नहीं बनाया गया, विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया। देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हाईकमान ने जिसको जिम्मेदारी दी होगी, जिस भी लीडर को जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय समाज में, ये उनके सोचने का काम है, इसको वो ईमानदार मानते हैं, पार्टी के प्रति लॉयल मानते हैं, फिर खुद के प्रति लॉयल माने उसको आगे बढ़ाएं तो फिर तो ग्रुपिज में आ जाता है, जातवाद आ जाता है। जब ग्रुपिज को हम दरकिनार करें, मैं तो दरकिनार करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे को जो कुछ नुकसान हुआ है, मेरी वजह से जो जनहित के काम होने थे वो नहीं हो पाए, उसमें मुख्य कारण ये भी है कि मैं किसी गुट में नहीं हूँ, ग्रुप में नहीं हूँ, मैं पार्टी के ऊपर विश्वास करता हूँ और हमेशा पार्टी के साथ गुटबाजी में कभी नहीं रहती, मैं गुटबाजी में होता तो मैं काफ़ी आगे होता, दोबारा पार्लियामेंट का मुझे टिकट मिलता 2004 में मेरा क्यों टिकट काटा, जबकि मैं राजस्थान में सबसे कम वोटों से आ रहा था MP रहने के बाद, सबसे कम, बिल्कुल नेक फाइटिंग थी, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया तो कोई कारण होगा, इसके पीछे लीडरशिप बता सकते हैं, मैं तो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ, मुझे कुछ बोलना ये अपनी सीमा से बाहर जाना है। अभी जैसे टिकट आपको मिला तो आप इसमें लगता है कि आपको पहले भी कोई संदेह रहा हो कि ये आपकी क्वालिटी के आधार पर ही मिला है?
मुझे जानकारी होती है। देखिए आप अपन भी बरसों से मैं कॉलेजियम का प्रेसिडेंट भी रहा था जी, और मैंने सभी फील्ड में काम किया, कोऑपरेटिव में, पंचायत राज संस्थाओं में भी। यहाँ तक कि एक मर्तबा तो मेरी पूरी पंचायत, लोगों ने कहा तुझे सरपंच बनना है, मैंने जो शर्त रखी वो सब शर्त उन्होंने मान ली। वार्ड मेंबर निरुद्ध, उन्होंने वार्ड मेंबर 5 मिनट में सारे वार्ड मेंबर डिसाइड कर दिए। मुझे गांव वालों ने निरुद्ध सरपंच बनाया, निरुद्ध मेरे वार्ड मेंबर बनाया, मुझे बहुत प्यार दिया। तो इतनी जानकारी मेरे को है कि राजनीति में क्या होता है, लेकिन मैं लोभ में नहीं आ पाया, इसका मुझे फ़ख्र है। मैं ऊपर वाले को, इसको हम ईश्वर कहते हैं, वो सभी जगह कहीं ना कहीं मौजूद है, लोग माने नहीं माने, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसने मेरे ऊपर कृपा रखी जी। लेकिन सर, आज की जो स्थितियाँ हैं, राजनीति के जो डेफिनेशन दी जाती है, परिभाषा दी जाती है, आप भी जानते हैं, उसके हिसाब से तो आप फिट नहीं मानते अपने आप को। मैं फिट नहीं मानता आपको, क्योंकि जिस तरह के हालात अब राजनीति में होते जा रहे हैं, कमाने खाने का तो कोई मतलब नहीं, सब यहीं रह जाएगा जी। जो करोड़ों अरबों रुपये कमा रहे हैं वो सब यहाँ रह जाएगा। लोभ है, लोभ ज़्यादा करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। फिर भी हम लोग लोभ कर रहे हैं, तो नेताओं को ही जब कभी मौका मिले आप उन्हीं से पूछिए कि भाई आपकी स्थिति कमज़ोर थी, आप मजबूत बने, क्यों बने, किसके लिए बने, पार्टी के नाम से क्यों बने, ये बात वही बता सकते हैं। मेरा साफ है, मैं क्लीन चिट हूँ, मुझे मेरे लिए कोई कुछ भी कहे, मैं जैसा हूँ आपके सामने, जनता के सामने। तो एक मुलाकात में मीना साहब के साथ बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रामनारायण जी मीणा साहब। मीणा साहब, करप्शन बहुत बड़ा इशू है देश के सामने, जिसको देखो वही करप्शन की बात कर रहा है। हालांकि आपने एक बार पहले भी कह दिया कि जिन लोगों ने स्टाम्प चोरी की हो, दाएं बाएं कहीं से हाथ पांव मारे हों करप्शन के, लेकिन वो भी करप्शन को बंद करने की बात कर रहे हैं। ये जो माहौल है सब इस समय, चाहे केजरीवाल के माध्यम से इशू उठाया जा रहा हो, चन्ना के माध्यम से, या राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हों कि वो करप्ट है, हम नहीं है, उसका खुलासा हो, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, उसके साथ ही राजनीतिक दल अपने नेताओं से कह रहे हैं, MLA से कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कह रहे हैं, मंत्रियों से कह रहे हैं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। तो ये जो सब अभियान चल रहा है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि वाकई सही दिशा में ये मुहिम चल रही है? देखिए, मैं पार्टी कोई भी हो, सभी पार्टियाँ संपत्ति का ब्यौरा मान रही है, मैं पार्टी को क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं, मुझे करना चाहिए इतनी मेरे में समझ है। लेकिन आप बताइए, हर साल हम इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, फिर मांगने का नाम लेकर के हम अपने आप को पाकशाह की बात करते हैं जी। आज मैं हूँ, ठीक है, मैं छोटा काश्तकार हूँ, लेकिन मैं अपनी संपत्ति की रिटर्न देता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न देता। कौन MLA MP है जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देता? कौन MLA MP है जिसके परिवार के लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देते? इसलिए दिखावटी बात जनता के सामने लाना, जनता के अखबारों में पढ़ लें, TV में देख लें, और अपनी भी बात ये स्टेटमेंट की सुन लें, इसी से खुश हो जाए, ऐसा नहीं। वो तो होता है, ये डबल डबल खर्चा करना, 4 पैसे के कागज़ का दुबारा, अच्छा नहीं लगता। वास्तविकता ये देखिए, आज करप्शन की बात आप कर रहे हो, रिटर्न से नहीं है, मैं इसको बिल्कुल डिफर करता हूँ, ये अनावश्यक है। जब हर साल हम रिटर्न देते हैं, नहीं देंगे तो इनकम टैक्स जुर्माना करता है जी, ये क्या बात है? अफसर देते हैं, लेकिन जो सबसे करप्ट अफसर है उसको अच्छी पोस्ट पर क्यों बिठाते हो आप? जिस जो आदमी आपका लॉयल नहीं है, खुद का लॉयल है, उसको आप अच्छी पोस्ट पर क्यों बैठा रहे? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, जो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं जी। एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अपने आपको कहती है भी, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत में पकड़ा गया। वो रिश्वत ले रहा था, मित्रता थी इसलिए वो खर्चे का दे रहा था, पार्टी को सब चलता है, उसको सजा हो गई। पार्टी ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, दरकिनार कर दिया, उसके किसी साथ नहीं दिया। उसी पार्टी का दूसरा अध्यक्ष करोड़ों अरबों रुपये की हेराफेरी में सामने मेटर आ गया, उसको पूरी पार्टी बचा रही है। तो जो जातवाद का जो मल्लमा चला है, चूँकि वो दलित था, अगला वाला अगले क्लास का है, इसको ख़त्म कैसे करें? ये सब खत्म होना चाहिए, सवाल रिटर्न्स का नहीं है। आदमी को परखिए, पार्टी जब तक अच्छे आदमी को आगे नहीं बढ़ाएगी तो बैठेगा नहीं। ये मैं इसको ठीक नहीं मानता, रिटर्न तो दे रहे हैं सब, दे क्या दिक्कत है? यहाँ एक सवाल और है मेरा, विधानसभा में अब वरिष्ठ सदस्य भी हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं, पहली बार
पहली विधानसभा गठन हुआ वो तो एक इश्यू अलग था, उसके बाद में पहली बार इतने लोग जीत के हैं जिन्हें नए चेहरे के रूप में देखा जा सकता है, शायद 108 के आसपास हैं। इन लोगों को आए क्योंकि राजस्थान की तो सबसे बड़ी पंचायत यही है जहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं, 6.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ बैठता है। लेकिन अक्सर बात ये आती है कि सब हमें बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा, सदन में हंगामे की भेंट चढ़ गया, पूरा सदन चल नहीं पाया, ये सब जो स्थितियाँ बनती जा रही हैं। पिछली बार का जो 12वीं लोक विधानसभा रही उसके बाद ये 13वीं विधानसभा है, संख्या कम होती जा रही है हाउसेज की, तो क्या कहेंगे आप इससे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर और व्यक्ति से नहीं, राजस्थान की आम जन जानते हैं, मैं उस उन व्यक्तियों में से हूँ, उन विधायकों में से हूँ जो सदन की अधिक से अधिक बैठकों का पक्षधार है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं 92 में इस मामले को उठाया था कि 60 दिन की बैठक है, तो उस टाइम मैंडेटरी था, अब डायरेक्टिव कर दिया। आज भी जब हमारे नियमों में राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 3 का में लिखा है, कम से कम 60 दिन की बैठक में उसे पालना होना चाहिए, सरकार को भी मानना चाहिए, पक्ष को मानना चाहिए। पहली बार मैं ऐसा हाउस देख रहा हूँ कि जिसमें अक्सर ये बात आती है सामने कि डायलॉग की कमी है, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस, ये आप कैसे मानते हैं? दोनों अच्छे नहीं, बोलते नहीं, बिल्कुल हैं। दोनों के दलों के लोग कहते हैं तो एमएलए जाकर के बताते हैं कि भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसके अंदर भी ये अक्सर प्रतिपक्ष सवाल उठाता है कि साहब लीडर ऑफ हाउस नहीं आते हैं, ये लोग कहते हैं कि इनमें बोलचाल की काफ़ी कमी रहती है। मुझे तो सदन में जब भी एक दूसरे के टेबल पर जाते हैं बोल, सदन चला उस दिन मुझे ऐसा ध्यान है, माननीय मुख्यमंत्री जी लीडर ऑफ हाउस के पास आए, दोनों में अच्छी डायलॉग, कोई अच्छी बात ऐसा मुझे लगता नहीं है। नहीं, दोनों ही पार्टी के लीडर्स ने ये बात तो हमारे को इस जगह पे आकर के भी जैसे बातचीत होती है तो उसमें कहा कि पहले के जो हाउसेज जो चला करते थे उसमें ये बात ठीक है कि कमी आई है। वो अपनी पार्टी के विचार बता गए होंगे, सदन के ऐसे विचार नहीं है। और जब कभी लीडर ऑफ हाउस ने कोई मामला उठाया होगा तो लीडर ऑफ हाउस ने उसका जवाब दिया होगा। ये परिपाटी भी एक दूसरे का सम्मान करने की हमारी परिपाटी है, वो टूट जाएगी तो प्रजातंत्र का मायने कमजोर हो जाएगा। लेकिन आप ये मानते हैं कि जो व्यवस्था पहले भी आपने देखा होगा हाउसेस किस तरह से चलते थे, आज जो पोजीशन है, ये चाहे वो डिबेट की बात हो या चाहे मंत्रियों की तैयारी की बात हो, देखिए तैयारी का सवाल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। वो आजकल बीमार हैं, एज हो गई, काफ़ी उम्र हो गई। वो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी दिल्ली में तो उनको यूएनओ में भेजा गया था प्रतिनिधि बना करके, और हम आभारी हैं उनके, उनको धन्यवाद देते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। उन्होंने यूएनओ में जाकर के पार्टी को नहीं देखा, देश को देखा, कंट्री को देखा, भारत उनके सामने था और अच्छा उनका वहाँ परफॉर्मेंस रही। वो जब टीवी देख रहे थे तो कोलगेट जिसको कहते हैं कोयला आवंटन, ब्लॉक आवंटन का मामला, तो उसमें उन्हीं की पार्टी के माननीय सदस्य हल्ला कर रहे थे, बस नहीं कर रहे थे, जबकि ट्रेजरी बेंचेस से कहा जा रहा था कि आप बस करिए, जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो ये बात हो रही थी, वो बस नहीं कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो ये आया भी एक बार लीडिंग पेपर्स में भी आया कि उन्होंने अपना वॉल्यूम बदला दिया क्योंकि वो नहीं देखना चाहते थे, वो उनको इच्छा नहीं हुई ज़्यादा देखने की, उनकी पार्टी के मेम्बर्स बस नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बस नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार को बचाने में रोल अदा कर रहे हैं। ये अच्छी प्रक्रिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि यूएनओ में वाजपेयी जी को भेजा, इंदिरा गांधी जी ने भेजा, और इंदिरा गांधी जी के लिए उन्होंने दुर्गा का रूप कहा था। क्या आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि इतना बड़ा दिल रखा जा सके, कोई राजनीतिक दल रखता हो, सरकार रखती हो, एक दूसरे की तारीफ कर पाते हैं, ऐसा लगता भी आपको? करना चाहिए, हम तो करते हैं, हम करते हैं, लोग कहते हैं मिले मिले नहीं, देखिए अच्छा काम करता है कोई पब्लिक के हित में तो करना चाहिए। आम जनता उसका वोट देने का तरीका दूसरा होता है। ये माना जैसे राजनीति अभी भी सही दिशा में चल रही है, सही दिशा में चलना चाहिए, विघ्न आ गया उसको दूर करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी जिनको कमान राष्ट्रीय पार्टी ने सोच सकी स्टेट लेवल में उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। समय समय पे पार्टीज मीटिंग होना चाहिए, समय समय पे हमने तो देखा उस पहले वाले विधानसभा में जो अच्छा बोलता था उस टाइम के उसको लड्डू मंगाए जाते थे, उससे पैसा लिया जाता था, सब पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, इतना प्यार और प्रेम था। और आज भी है, देखिए पिछली सरकार के मामले में कितने आरोप लगाए जाते थे, किसी केस में किसी लीडर को जेल भेजने की हमने राजस्थान में कोशिश नहीं की। तो सामंजस्य तो है, जो हो गया हो गया, आगे नहीं हो, इस भावना को इस बात को लेकर चलते। आप डिप्टी स्पीकर हैं, अभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास भी हाउस चलाने की, आपके रहते हुए ऐसा क्या करना चाहते हैं आप कि जो अभी कमी महसूस हो रही है या जो चल रहा है उसमें इम्प्रूव करने की इच्छा हो आप?
देखो मैंने किया भी है, जब मुझे पूरा पूरे समय बैठने का मौका मिला उसमें। हमने जो नए सदस्य माने सदस्य आए हैं वो किसी भी जिले से आए हों, मैंने उनको मौका दिया है और उन्हें एक आत्मविश्वास बढ़ाया है। और मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सभी माने सदस्यों को सूचना दूँ, किसी भी पार्टी का हो हमें बैठ के बात करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी पब्लिक के प्रति है, विद्वेष के बारे में एक दूसरे पे जहर उगल करके हमें नहीं खेलना है। हमें शुद्ध प्रजातंत्र पर विश्वास करना है और उन लोगों का ध्यान रखना है जो लोग वास्तव में अच्छी भावना से राजस्थान को बिल्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से राजस्थान खूब आगे बढ़े ये सोचना चाहते हैं। सर इलेक्शन के अब ज़्यादा लंबा समय नहीं है, मात्र 11-12 महीने की बात है, सरकार को आप कितने नंबर देते हैं? आपकी सरकार है पार्टी की, सरकार के मुकाबले कोई आंदोलन नहीं हो पा रहा, हम कैसे कहें कि उसका नंबर नहीं है? आज देखिए विपक्षी दल एकजुटता नहीं ला पा रहे और इसी आधार पर साहब सरकार है इसने गलत काम किया हम जीत जाएंगे, ऐसे तो नहीं चलता ना, ठीक नहीं है। तो वापस कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है? देखिए स्थितियाँ ठीक रही और कांग्रेस हाईकमान ने सोच के कुछ एक दो सही निर्णय कर दिए जिससे आम जन में अच्छा मैसेज जाए। कांग्रेस को तो चाहते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कांग्रेस के प्रति तो आम आदमी भावना है आज भी। क्या निर्णय करनी चाहिए आला कमान को? आप ये आला कमान सोचिए, वो पूछेंगे तो बताएंगे। पार्टी पॉलिसी का मामला है और मैं ओपन खुले में मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूँ, जैसे भी है बैन नहीं है फिर भी मुझे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब मैं उस कुर्सी में बैठता हूँ तो मुझे ध्यान रखना। मेरा सर मेरे एक आखिरी सवाल हो रहे, आप जनता से जुड़े हैं, इसके साथ ही दो सवाल छोटे छोटे, एक तो सवाल ये है कि आप खाली वक्त कैसे बिताते हैं और दूसरा सवाल ये है मेरा कि खुश कब रहते हैं और दुखी कब होते हैं? खुश मैं तब रहता हूँ जब जाता हूँ लोग बोलते हैं कि हमारी समस्या नहीं है समाधान हो गया, छोटे से छोटे। कोई दुखी आदमी है बीमार है वो प्रसन्नचित कहता है हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हैं, जब वो कोई का आदमी कहता है कि साहब पुलिस ने मेरे को जमीन की कब्जा किसने कर लिया था वो हमारा निपटारा हो गया, मतलब जब दीन दुखी गरीब आदमी अच्छाई जब करता है काम की अच्छे काम की तो प्रसन्नता होती है और तकलीफ जब होती है जो काम सही समय पर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आजकल मैं इसलिए दुखी हूँ हमारा बिसलपुर बांध में पानी कम आता है, बरसात कम होता है और बिसलपुर बांध को हम पूरी तरह से भर ही नहीं सकते। बिसलपुर बांध का पानी और फ्लो करके ईशदा बांध बन सकता है और एक ब्रह्मणी नदी है जिसको हमने ढूंढवाया है बेगू के पास, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, चंबल में व्यर्थ भर जाता है उसका पानी, वो भर जाएगा। उस दिन मुझे राजनीति में बहुत सुकून मिलेगा क्योंकि उससे आम किसान को फायदा ही नहीं मिलेगा, जयपुर को भरपूर पानी मिलेगा, राजस्थान की बहुत ज़्यादा प्यास जो है आज की तारीख बुझ सकती, काम होना चाहिए अच्छा इसी में। ये हमारा दायित्व बनता है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और इससे आम जनता को संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है तो हमारा सीना गर्व से फूलता है। खाली वक्त कैसे बिताते हैं मेरा आखिरी सवाल है। मैं कहीं दुख दर्द होता है कि अच्छा काम है या कोई घटना हो गई या स्वर्ग ऐसी हो गया, मैं उनके लोगों के बीच में चला जाता हूँ और फिर मिलने वाले इतना आते हैं कि समय कहीं मिलता ही नहीं। तो आपने देखा मीना साहब को अपना राजनीतिक सफ़र से लेकर के और व्यक्तिगत जो इनके विचार हैं उन तक, संवैधानिक पद पे हैं, कई मुद्दे हैं जिन पे खुलकर बातचीत हो सकती है लेकिन एक दायरे में रह के ही बात की जा सकती है। सर समय सीमा का ध्यान रखते हुए एक मुलाकात को हम यहीं पर विराम देंगे, आप हमारे स्टूडियो पधारे, दर्शकों से इतनी देर तक आप रू रहे उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब दीजिए मुझे भी इजाज़त, नमस्कार।